पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस सभी ने अपनी कमर कस ली है। सत्ता की चाबी पाने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इन सब के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं और आज उन्होंने मजीठा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अकाली बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में बादल बरसते नहीं हैं, यहाँ किसान बादल देखकर खुश नहीं होते, पंजाब में बादलों ने अंधेरा फैला दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल पहले ही कह दिया था कि पंजाब का 70% युवा ड्रग्स का शिकार है, तब बादल ने मेरा मजाक उड़ाया था। बादल परिवार ने पंजाब का भविष्य तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर ड्रग्स के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक सिर्फ कांग्रेस सरकार ने काम किया है, हमने जो वादे किए उसे पूरा भी किया। राहुल ने यमुना के जल साझेदारी के मामले में आपके दोहरे रवैये पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हर राज्य में लोगों से अलग अलग बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केवल एक पंजाबी ही पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है, यहाँ बाहरी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। साथ ही आज की रैली में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पंजाब में सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मजीठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बादल परिवार को जमकर कोसा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिन और पंजाब दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे ये हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए टीवी लाइव।